हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप जर्नी। रीनेट एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, या रिजल्ट डिक्लेयर कराया जाएगा, इसके बारे में फाइनली वर्डिक्ट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है अपना, और उन्होंने ये कहा है कि फाइनली आपका 21 अगस्त को रीनेट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने के लिए शेड्यूल किया गया है उसे करा दिया जाए। मतलब अब आपका रीनेट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने वर्डिक्ट में, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ऐसा है कि 9 लाख करीबन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, और केवल 47 स्टूडेंट्स ने इसको चैलेंज किया, इस डिसीजन को, कि रीनेट होना नहीं चाहिए बल्कि रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नंबर है ये बहुत कम है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रीनेट हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कही कि आपका 18 जून को एग्जाम होगा हुआ था, और 19 जून को दूसरे ही दिन इसे कैंसिल कर दिया गया था। तो अब ये 2 महीने का समय निकल गया है, और रीनेट को घोषित किए हुए भी आपका काफी अच्छा समय हो गया है, तो अभी एग्जाम हो जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की कोई रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फाइनली इसके बारे में किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, इस पर हम बहुत डिटेल में ना जानते हुए हम ये जानेंगे कि रीनेट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। अब आपको पहले भी मैंने कहा था आपसे कि आप बेकार की बातों में ना जाते हुए केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम होगा। अगर नहीं होता है तो 1% चांस है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आप क्या करें, अपना पढ़ाई जो है वो वेस्ट ना करें, वेस्ट नहीं होता पढ़ा हुआ, कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे आप उसे, लेकिन पढ़ते रहिए। अब देखिए, फाइनली आज हो गई है 12 तारीख, 12 जून को ये डिसीजन आ रहा है कि अब आपका फाइनल नेट का एग्जाम, रीनेट एग्जाम होने जा रहा है। अब आपके पास केवल और केवल 11 दिन का, सॉरी 9 दिन का समय बच रहा है। 21 अगस्त से आपके एग्जाम है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अपना पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो री एग्जाम का शेड्यूल तो आप जानते हैं, सीबीटी मोड में इस बार एग्जाम होना, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी आपने जो 18 तारीख का एग्जाम दिया था वो पेन पेपर मोड में दिया था, अब आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, और डेट शीट पहले से ही आ गई है। 21 अगस्त को जो आपका एग्जाम है वो ये सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश और जापानीज, इस तरीके के जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं वो होने वाले हैं शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 1 जो होगी वो 9 बजे से 12 बजे तक होगी, और शिफ्ट 2 जो होगी वो 3 बजे से 6 बजे तक होगी। तो इंग्लिश और डोंगरी, स्पेनिश, रशियन, इस तरीके के सब्जेक्ट हैं। 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में सोशल वर्क, होम साइंस, म्यूजिक, इस तरह के पेपर हैं, और सेकंड शिफ्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है वो होने जा रहा है। तो इस तरह से आप ये डेट शीट को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, और चेक कर लीजिए कि आपके सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट में और किस शिफ्ट में होने जा रहा है। अब इन सारी बातों को छोड़ते हुए केवल पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई ये आ रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। देखिए, रिजल्ट आता तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, अब एग्जाम हो रहा है तो भी ठीक है, एग्जाम होने जा रहा है। आपका फोकस एग्जाम पर होना चाहिए, बाकी इधर उधर की बातों पर नहीं। आपको मैं बता दूं कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने अपने इस चैनल पर करा रखी है, तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और वीडियोस देखने हैं, कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे आपको पेपर 1 के, ठीक है। और पेपर 2 एजुकेशन जिसका भी है वो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, यूनिट वाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए फटाफट से स्टडी करने के लिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां आपको टेक्स्ट सीरीज भी मिल जाएगी, साथ ही साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बात थी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अब आपका फाइनल एग्जाम होने जा रहा है 21 तारीख से, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं की है, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हमारे चैनल की कोई हेल्प चाहिए तो आप इसमें बेशक जा सकते हैं, आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई शुल्क आपको नहीं देनी है। पेपर 2 एजुकेशन के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लगातार फ्लैश हो रहा है, मैं आपको नोट्स पर्सनली भी सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।